सुप्रभात बच्चों, आज हम PT 3 का सिलेबस शुरू करेंगे। एज यू ऑल नो कि आपके पेपर ख़त्म हो गए, आपने अच्छा परफॉर्म किया। जिन बच्चों ने अच्छा नहीं किया है वो इस बार बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। वैसे आपकी क्लास में कोई भी फेल नहीं था, सारे बच्चे पास थे और अच्छा दिया रिजल्ट, रिस्पॉन्स अच्छा था आपका। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो है हैंड राइटिंग की, ठीक है। तो इस बार आपने शुरू से ही राइटिंग इम्प्रूव करनी है बच्चा, ठीक है बेटा। तो आपने आज मैं आपको PT 3 का नया सिलेबस करवाने लगी हूँ। अब PT 2 तक यानी हाफ ईयरली तक हमारा ख़त्म हो गया है, तो नेक्स्ट फाइनल एग्ज़ाम में आपका PT 3 और PT 4 दोनों ही आएंगे। तो आपने PT 3 को भी ध्यान से करना है, ठीक है बच्चा। और जो लेसन इसमें करने हैं उनको आपने ढंग से समझना है, ठीक है। इसमें पद्यांश गद्यांश सारा कुछ पाठों में आएगा। तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक सुबोध का लेसन नंबर 10 करने जा रहे हैं हम, ऐसे थे बापू, क्लियर। तो सब उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस बार आपने नई नोटबुक्स लगानी है हिंदी की, और इंडेक्स साथ साथ बनाना है, ठीक है। लेसन साथ साथ काम करना है, साथ साथ काम करोगे तो नोटबुक साथ साथ चेक होगी और प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस बार आपने देखा कई बच्चों के बीच में 00 नंबर भी लगे हुए हैं, वो इसीलिए लगे हुए हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ और आपका नोटबुक जो है वो इन टाइम नहीं आती है, तो नहीं आएगी तो नहीं नंबर लगेंगे। तो प्लीज़ बेटा आपने साथ साथ काम मेंटेन करना है, साथ साथ कार्य करना है, दिया गया कार्य जो है वो साथ साथ करना है। तो आज आपका लेसन नंबर 10 हम पढ़ेंगे। अपनी अपनी हिंदी की बुक बाहर निकाल लो और लेसन मेरे साथ पढ़ना शुरू करो। लेसन में क्या है, ऐसे थे बापू। अब बापू का नाम आते ही हमें अपने राष्ट्रपिता जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई उनकी याद आ जाती है। सभी जानते हैं कि हम बापू किन्हें कहते थे, तो हम बापू किन्हें कहते थे, गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को। तो उन्हीं के बारे में ये लेसन था, ऐसे थे बापू। बापू की ज़िंदगी के बारे में ये लेसन किया गया है, जोड़ा गया है। तो क्या बताया हुआ है ये मैं आपको बताने लगी हूँ। कहते हैं महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि महात्मा गांधी जी हैं जिन्हें बापू के नाम, जब भी हम बापू नाम सुनते हैं तो हमें याद किसकी आती है, महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी कौन थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी, ठीक है बेटा। तो क्या है, महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक। उन्होंने हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाई। तो एज़ यू ऑल नो कि 1947 से पहले हमारा देश जो था वो प्रतंत्र था, दूसरों के अधीन था। तो किसके अधीन था, ये अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ हमारे देश में आए और आके उन्होंने हमारे ऊपर ही शासन करना शुरू कर दिया, है ना। तो क्या होता था कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपना जमीन हमारी, सामान हमारा, और यूज़ वो करते थे, है ना, फ्रीक्वेंटली। और हमें इजाज़त नहीं थी अपने ही घर में रह के अपना सामान यूज़ करने की। तो हमारा देश हमारा घर है, तो ये चीज़ हमें नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, ठीक है। हम गुलाम थे, उनके अधीन कार्य करते थे। फिर आंदोलन चला और हमें इन लोगों ने आज़ादी दिलाई। अगर हम आज़ाद खड़े हैं, आज पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे औहदों पे हैं, तो वो सिर्फ इन लोगों की बदौलत। अदरवाइज़ आज तक हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन रहता, अगर ये लोग नहीं होते जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। तो कहते हैं महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था पूरा, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको बाद में महात्मा के नाम से जाना गया। महात्मा गांधी के नाम से फेमस हुए, बापू जी के नाम से फेमस हुए। उन्होंने हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाई। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। तो इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर को 1869 में हुआ, क्लियर। तो इन्होंने हमें, और कहाँ हुआ, गुजरात में, कौन से स्टेट में हुआ था, गुजरात स्टेट में,
ठीक है, पोरबंदर नामक गांव शहर में हुआ, क्लियर। आगे है, बापू बहुत सीधा सादा जीवन व्यतीत करते थे, वो सिंपल लिविंग में विश्वास करते थे, सीधा सादा जीवन जो है वो जीते थे। वे एक कुटिया में रहते थे, एक छोटी सी कुटिया उन्होंने अपनी बना रखी थी, वही रहते थे। वे अपने चरखे पर सूत काटते थे, जो खादी है वो उन्होंने ही शुरू की थी, तो वो चरखे पर सूत काटा करते थे, उसी सूत से बनी खादी के कपड़े पहनते थे। उन्होंने किसी भी टेरिकॉट विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, वो कहते थे अपना है देश है, अपनी पहचान है और अपनी ही खादी हम पहनेंगे। वो खुद बनाते थे सूत और उसी से कॉटन बनती थी और उसी से खद्दर तैयार होता था, ठीक है। एक दिन की बात है, कुछ बच्चे मिलकर उनकी कुटिया पर गए। अब बच्चों से भी वो बहुत प्यार करते थे, तो कुछ बच्चे उनकी कुटिया पर गए। उस समय बापू कुटिया की सफाई कर रहे थे, बापू खुद कुटिया की सफाई कर रहे थे, अपना कार्य वो खुद करते थे और आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ते थे, ठीक है बेटा। तो कहते हैं कि बापू जो है वो कुटिया में गए, उस समय बापू कुटिया की सफाई कर रहे थे। गणेश ने पूछा, अब एक बच्चे था उनमें से, जो बच्चे उनसे मिलने गए उनमें से एक का नाम गणेश था, उसने पूछा, बापू आप कुटिया की सफाई अपने आप क्यों कर रहे हैं? क्या पूछा कि आप कुटिया की सफाई अपने आप क्यों कर रहे हैं? बापू ने कहा, बच्चों हमें अपने सभी काम स्वयं करने चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बापू जी जो थे वो अपने कार्य खुद किया करते थे, स्वयं करते थे, ठीक है, अपने आप करते थे, तो दूसरों पर वो निर्भर डिपेंड नहीं करते थे दूसरों पर कि कोई दूसरा उनका कार्य करे, ठीक है बेटा। तो एक बच्चे ने जब पूछा कि बापू आप अपना काम खुद क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो इतने अच्छे थे कि लोग उनका काम करने के लिए तरसते थे लेकिन वो नहीं करवाते थे किसी से भी। फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने क्या कहा, बापू ने कहा, बच्चों हमें अपने सभी काम स्वयं करने चाहिए, खुद करने चाहिए, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा, तुम अपने घर में सफाई का क्या क्या काम करते हो? अब बापू जी ने बच्चे से पूछा कि आप अपने घर में क्या क्या काम करते हो सफाई का। राधा बोली, अब उनमें से एक लड़की का नाम था राधा, उसने जवाब दिया, मैं अपनी मम्मा के साथ घर की सफाई करती हूँ। उसने बोला कि मैं अपनी माँ के साथ अपने घर की सफाई करती हूँ। रमेश ने बताया, मैं घर के बाहर की सफाई पर ध्यान देता हूँ, मेरे घर के बाहर जो कूड़ा कचरा पड़ा होता है मैं उसका ध्यान रखता हूँ, ठीक है, कचरा कूड़ेदान में जमा करके नगर निगम की गाड़ी में डालता हूँ। जो भी कूड़ा कचरा जमा हो जाता है, जब नगर निगम की गाड़ी आती है तो मैं उसमें वो कचरा डालता हूँ। बापू बोले, शाबाश, हमें भारत को स्वच्छ बनाना है और आज स्वच्छता आंदोलन उन्हीं की देन है। आज भी हम लोग स्वच्छता के ऊपर कहते हैं कि जहाँ सफाई होती है भगवान भी वहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो ये कहावत है, लेकिन इस कहावत में गांधी जी की पूरी आस्था थी, वो भी यही करते थे कि जहाँ साफ सुथरा होगा भगवान भी वहीं डेरा जमाते हैं। तो कहते हैं कि हमें भी अपनी सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा, हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, क्यों? क्योंकि अगर गंदा होगा तो वातावरण गंदा होगा तो बीमारियाँ फैलेंगी, तो हमें बीमार नहीं होना, हमें स्वस्थ रहना है। तो वो आगे क्या कहते हैं, इसी से हम बीमारियों से बच सकते हैं, अगर हम अपना भारत, अपना आसपास को साफ रखेंगे, ठीक है। हर इंसान अपने आसपास अपने वातावरण को साफ रखने की कोशिश करे तो भारत ऑटोमेटिकली स्वच्छ हो गया, और स्वच्छ होगा तो गंदगी नहीं फैलेगी, गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारियाँ नहीं फैलेंगी, ठीक है ना। तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। बापू ने कहा, ये तुम बहुत अच्छा करते हो, हमें आसपास का वातावरण तो स्वच्छ रखना ही है, साथ ही अपने शरीर की सफाई का भी ध्यान रखना है। वो क्या कहते हैं कि खाली हमें अपना वातावरण ही सही नहीं रखना, हमें अपने आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना है, क्लियर, ध्यान देना है। आगे कहते हैं, गणेश ने बताया, बापू जी मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, नहाकर साफ धुले कपड़े पहनता हूँ। गरिमा ने कहा, हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, ठीक है। तो बेटा, एज यू ऑल नो, आजकल टीवी में बहुत सारी ऐड आ रही है, बार बार ये कहते हैं हमें
स्वच्छता का ध्यान रखना है, हमें बार बार हैंड सैनिटाइज करनी है, अपने बातों को अच्छी तरह से एक मिनट मल मल के धोना है ताकि जर्म्स अंदर ना जाएं और हम कोरोना महामारी से बच पाएं, है ना। मास्क लगा के रखें। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्या था, सफाई से ही जर्म्स पैदा होते हैं गंदे, और उन्हीं कीटाणुओं से हम बीमार होते हैं, ठीक है ना। तो ना अगर सफाई होगी तो ना कोई बीमार होगा और ना ही कुछ ऐसी बीमारियां फैलेंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, गरिमा ने कहा हमें खाना खाने से पहले भी अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। आपको पता क्यों धोना चाहिए? क्योंकि हमारे हाथों में मैल लगी होती है, किसी चीज़ को छू लिया तो कण फैल गए, तो जब हम इन हाथों को धोते हैं नाखूनों में फंसे हुए गंद भी निकल जाता है, साफ हो जाता है, फिर जर्म जो है हमारे मुंह में नहीं जाते। अगर गंदे हाथ से खाना खाएंगे तो जो हाथों पे लगे जर्म्स हैं वो हमारे पेट में चले जाएंगे और हर बीमारी पेट से शुरू होती है। सबसे पहले पेट इन्फेक्शन होती है और फिर हमें बुखार हो जाता है। तो ये हमने इनसे बचने के लिए अपनी स्वच्छता का भी, अपनी सफाई का भी ध्यान रखना है। आगे कहते हैं, बापू ने समझाया हमें दांतों की सफाई भी रोज़ाना करनी चाहिए। हम दांत भी रोज़ साफ करने चाहिए, ब्रश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम साफ नहीं करेंगे, रात को ऐसे ही खाना खा के सो जाएंगे तो अंदर जर्म्स के साथ हमारे इसमें कीड़े लग जाते हैं दांतों में, है ना, कीटाणु आ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, और जिससे हमारे दांत जल्दी टूट जाते हैं, और दांत टूट गए आर्टिफिशियल लगवाने पड़े तो खाना नहीं खाया जाता, बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए आपने अपने दांतों की सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमें रोज़ सुबह और रात को सोते समय दो बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे ना हमारे अंदर कीटाणु पैदा हों और ना उन कीटाणुओं से बदबू आए और ना ही हमारे दांतों में सड़न हो, क्लियर। तो ये चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। बापू ने समझाया हमें दांतों की सफाई भी रोज़ाना करनी है, ऐसा ना करने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। सभी बच्चों ने बापू को धन्यवाद कहा। बापू ने उन्हें खाने के लिए चने दिए। अब बापू चने बहुत ताकतवर होते हैं और चने लोग अक्सर खाते हैं, ठीक है। चने खाने से दांत मजबूत होते हैं, दांतों की, जिस तरह बेटा हम शरीर को मजबूत रखने के लिए शरीर की एक्सरसाइज करते हैं ना, कसरत करते हैं, ठीक उसी तरह हमें दांतों को मजबूत बनाने के लिए भी कसरत करनी पड़ती है। तो जब ये कसरत हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दांतों को मजबूत करने के लिए हमें कसरत करनी पड़ती है, तो इसी तरह दांतों को मजबूत करने के लिए कसरत। तो दांतों को मजबूत करने के लिए क्या कसरत करनी पड़ती है, ठीक है, चने चबाने पड़ते हैं, मकई के दाने खाने, भुने हुए दाने खाने पड़ते हैं, फिर गन्ने खाने पड़ते हैं, जिससे हमारा जो दांत है वो मजबूत हो, क्लियर। आगे कहता है, बच्चों क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान चला रखा है। आजकल नरेंद्र मोदी जी हमारे, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भी स्वच्छता का अभियान चलाया हुआ है, यानी कि गांधी जी को फॉलो किया है, ठीक है, चला रखा है। हम सभी को उसमें सहयोग देना है। उन्होंने बताया हमें गीला कचरा कहाँ डालना चाहिए, सूखा कहाँ डालना चाहिए, किस तरह हमें बीमारियों से बचना चाहिए। तो ये था बापू के ऊपर लेसन, यानी महात्मा गांधी जी के जीवन के ऊपर लेसन, किस तरह के वो थे। तो यहाँ पे बताया है कैसे थे वो, उनमें बहुत बड़ी दो क्वालिटीज़ थी, एक तो वो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है, भगवान पे पूरी आस्था थी उनकी, और दूसरा उनका क्या था कि वो अपना काम स्वयं करते थे, क्लियर। तो बेटा हमें भी उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, हमें भी अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इसी लेसन के रिलेटेड प्रश्न उत्तर भी हैं, ठीक है, शब्द अर्थ भी हैं, तो शब्द अर्थ में करवा दूंगी और प्रश्न उत्तर हम अगले पीरियड में करेंगे। तो सबसे पहला है शब्द, वहाँ पे लिखो लर्न इट, ठीक है, इसे याद करना है आपने, क्योंकि जब गद्यांश आता है तो किसी न किसी शब्द का मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो फिर मुश्किल होती है, याद नहीं होंगे, तो आपने ये याद करने हैं, कॉपी पे नहीं लिखने, ऊपर लिख लो लर्न इट। तो सबसे पहले क्या है, स्वच्छ, स्वच्छ क्या होता है, साफ, है ना, फिर है स्वस्थ, स्वस्थ क्या होता है, निरोगी, जिसको कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, वो क्या है, अब मैं कहूँ मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ मीन्स मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे कोई रोग नहीं है, उसको बोलते हैं स्वस्थ। आगे है स्वयं, स्वयं बोलते हैं अपने आप को, खुद को, ठीक है। आगे है वातावरण, वातावरण होता है इन्वायरमेंट, आसपास की दशा, हमारे आसपास। अगर आसपास बच्चों ने किसी ने यहाँ रैपर फेंका हो, किसी ने कुछ फेंका हो, तो वो गंदी है ना बात, तो वहाँ पे क्या हम कहेंगे कि ये तो वातावरण यहाँ का बहुत गंदा है। तो वातावरण इन्वायरमेंट, ठीक है। कीटाणु, ठीक है, कीट अणु, कीट प्लस अणु, ये होता है कीटाणु। कीटाणु क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े जो विजिबल, हमें सिर्फ उनको लेंस के साथ ही देख सकते हैं, ऐसे नज़र नहीं आते। किसी भी चीज़ में कीड़े हैं वो ऐसे नज़र नहीं आते, कई कीड़े तो नज़र आ जाते हैं ना, और कई नज़र नहीं आते। जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं वो नज़र नहीं आते, और उनको देखने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे है स्वच्छता, स्वच्छता क्या होता है, सफाई, स्वच्छता क्या है, सफाई। आगे है सहयोग, सहयोग होता है सहायता। फिर है प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स रोजाना। फिर है निर्भर, निर्भर मीन्स किस डिपेंड होना, किसी के सहारे होना, उसको बोलते हैं मैं, वह पर्सन उसके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। और जब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो आपको पता है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमें अब आत्मनिर्भर भारत बनाने का भी सपना दिखाया है कि हमने अब आत्मनिर्भर बनना है। सभी ने अपने देश में काम करके खुद के काम को महत्व दिया है कि खुद हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा ये बढ़ावा जो है वो दिया है, ताकि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है बच्चा। तो ये था आपका लेसन, ऐसे थे बापू, आपने ढंग से पढ़ना है। अब मुझे उम्मीद है आपको लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, और आपने ये लेसन अच्छी तरह से घर से पढ़ के आना है, समझ के आना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।